दीदी ये एसी का पानी है, ये चरणों का पानी नहीं है ठाकुर जी के। एक मंदिर च बेहद अजीबो गरीब घटना वापरी है जिसने लोगों नूं सोचण लई मजबूर कर दिता है कि किवें लोग एक दूजे दे पिछे लग के कुछ भी करन नूं तैयार हो जांदे ने। दरअसल वीडियो एक मंदिर दी है जिस नूं के एक नौजवान ने पहला रिकॉर्ड किया अते फिर सोशल मीडिया ते वायरल कर दिता। तो हाल ही विच मथुरा वृंदावन के एक मंदिर का यह वीडियो वायरल होया है जिसने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिता है। वायरल हुई इस वीडियो च मंदिर च भगवान के दर्शन करन तो बाद लोग मंदिर के पिछे निकल रहे पानी नूं भगवान कृष्ण का चरणामृत समझ के पींदे दिखाई दे रहे हैं, पर असल विच ये पानी पवित्र चरणामृत नहीं सगों इस विचों निकलण वाला पानी दस्या जा रहा है जो कि कंध ते हाथी नुमा बनी एक मूर्ति विचों पाइप दे राही बाहर निकल रहा सी। दीदी ये एसी का पानी है, ये चरणों का पानी नहीं है ठाकुर जी के। यहाँ के मंदिर के पुजारियों ने जबकि यहाँ के मंदिर के पुजारियों के द्वारा इस चीज का खंडन किया गया था कि ये जो जल है वो एसी का आ रहा है, ना कि ये जो है हमारे ठाकुर जी के चरणों से आ रहा है। तो बहुत सारे लोग इसको जो है चरणामृत समझ के पीते हैं जबकि ये एसी का जल है, तो कृपया इसे ना पिए। यह वीडियो मथुरा के वृंदावन बने बांके बिहारी मंदिर की है। इतने श्रद्धालु हाथी की मूर्ति तो टपकदा पानी इकट्ठा करने एक तार विच खड़े दिखाई दे रहे हैं। कई लोग इस पानी नूं ग्लासा नाल या फिर हत्था विच लै के भी पी रहे हैं क्योंकि लोग इस नूं प्रभु के चरणों का चरणामृत समझ रहे हैं, पर सच कुछ होर ही निकलिया। वीडियो च सुनाई दे रही लड़के की आवाज़ दस रही है कि मंदिर की हाथी की मूर्ति चो निकलन वाला पानी असल विच उत्थे लगे एसी चुवार है। इन्ना ही नहीं मंदिर के पुजारियों अते पंडितों ने भी यह गल मनी है कि यह पानी चरणामृत नहीं सगों एसी का पानी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सेंट्रल पंजाब टीवी।